श्री श्री माधव कृष्ण लोक सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री 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 माधव की वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज है आज श्री हमारे मठ के एक ब्रह्मचारी, उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया। क्या नाम उनका नाम था? कहते श्री कृष्णदास। कहते इन्होंने एकदम बचपन में मंदिर में आए। कितना उम्र होगा उनका? करीब 10-12 साल होगा। उनका फटो गुरु जी को साथ में फटो है, एकदम छोटे बच्चे एकदम। और वो कीर्तनिया नाम से प्रसिद्ध है, बड़े सुंदर कीर्तन करते थे, इसलिए गुरु जी को साथ में पूरा और मृदंग भी बजाते थे और कीर्तन करते थे। और गुरु जी को साथ में पूरा पृथ्वी में उन्होंने गुरु जी को साथ में भ्रमण किया है, क्योंकि गुरु जी को साथ में प्रचार में उन्होंने बहुत बहुत मदद किया है। और एकदम बचपन से आई, इसलिए अपनी आप मृदंग किससे सीखा नहीं, वो देख देख करके कैसे मृदंग बजाते हैं उसको देख देख करके मृदंग उन्होंने सीख लिया। और सीख करके और हमने जब पहले पहले मंदिर में आया, मैंने जब देखा क्या कीर्तन करता है, हजार हजार लोग और सबको नचा देता है, ऐसे नचाएगा ना, नचाते नचाते पागल कर देगा सबको। और गला क्या है इतने सुंदर, जैसे कोयल कूदती है ना, देखना अक्सर करके अगर पुराना कीर्तन निकालोगे, जितने पुराने कीर्तन निकलेंगे उनका ही सारे कीर्तन निकलेंगे। और लोग तो उसका कीर्तन को पूरा दुनिया में हैं, कहीं जाओगे गाड़ी में कीर्तन किसका बजता हुआ कीर्तन देखोगे ना, कृष्णदास प्रभु का कीर्तन बजता हुआ देखोगे सारा दुनिया में। इसलिए उसका नाम, उनका नाम कीर्तनिया कृष्णदास है, कीर्तनिया कृष्णदास। और जो रसोई सोच नहीं सकते उसका हाथ का, उसका हाथ जस है, उसका हाथ जस बड़ा सुंदर, कुछ भी चीज को ऐसे ऐसे लेकर कर देगा वो बढ़िया बन जाएगा। वो इस चीज को है साधारण चीज को लेकर ऐसे ऐसे कुछ कर देगा, बस वो तो बढ़िया बड़ी सब्जी बन जाएगा। और जब चकाचक कोई चीज बनाएगा ना, तेल मसाला देकर खा करके ना, तुम सोच नहीं सकते, जब कटहल का सब्जी, धोखा का सब्जी, पनीर का सब्जी, जब वो सब्जी बनाएगा, सब मसाला उसको चाहिए, एकदम सब सही सही मसाला चाहिए। और बनाएगा ना अंगुल चाट चाट करके, अंगुल काट कर खा लेते, इतना सुंदर वो रसोई बनाता था, इतना सुंदर है, कितना सुंदर रसोई बनाता था। इसलिए जब गुरुजी भारत में कहीं भी प्रचार करने के लिए जाते थे कृष्णदास, इसलिए गुरुदेव उसको नवद्वीप में जब आया, छोटा बच्चा था, उसको गुरुदेव साथ में ले गए, कहा कल के बंगाल से उन्होंने उनको साथ में ले गए, कहाँ पर, मथुरा में ले गए। अब मथुरा में उस समय में रहना कोई साधारण बात नहीं, अभी जैसे यहाँ पर हम जब आनंद में रहते हैं, और वो बंगाली लोग हैं, चावल बंगाली लोग, अगर चावल नहीं मिलेगा ना बल्कि आज भोजन ही नहीं हुआ, अगर रोटी पूरी कचौड़ी सब मिल जाए बोले तो नाश्ता हुआ है, तो भोजन नहीं हुआ, नाश्ता हुए, भोजन कब मानेंगे, जब चावल मिलेगा है, जब ये चावल मिलेगा बोलते तो भोजन हुआ। वहाँ पर मथुरा में 15 दिन में द्वादश का दिन गुरु जी पैसा देते थे, और पैसा दे करके चावल लाते थे, चावल 15 दिन में एक बार ये चावल बनता था, 15 दिन में तो चावल बनता था। और जैसे वहाँ पर पहले पहले प्रचार के लिए जैसे कानपुर जाते थे, दिल्ली में कोई जाते थे, नैनीताल जाते थे, क्यों चावल नैनीताल से चावल आता था, उधर चावल बिखरा होता था, बहुत कष्ट करके ट्रेन में नहीं तो गाड़ी में लद करके वहाँ से चावल लाते थे हैं। और ये क्या करते थे, इनका काम था जब इनको साथ में ले जाएंगे और ये सबको रोसी बनाएगा, ये यहीं से मसला मसला सब तैयार कर ले जाएगा, सब्जी भज रहे, और वहाँ पर स्टोव को स्टोव ले जाएंगे साथ में, स्टोव एक बोरी था जिसमें स्टोव रख लेते थे, बर्तन बर्तन रख लेते थे और उसको ले जाते थे, और इनका काम था रोसी बनाना है। रोसे खिला करके ना कोई भी चीज भगवान खिलाया बनाएगा एकदम, आप खा करके ना सब तृप्त हो जाओगे, इसका हाथ का रोसी कुछ भी बनाएगा
मसला मसला हमको दे दो थोड़ी सी, जमा करके बनाएगा सबको, रोसी खिला करके पागल, और कीर्तन करके सबको, कीर्तन या अकेला ही, कोई नहीं हो, अकेला मृदंग बजाएगा और अकेला कीर्तन करेगा। क्या कला की तेज है जो बंगला कीर्तन के जा भी के जा रे भाई भव सिंधु पार धन्य। जितने पुराना कीर्तन निकालो, कहीं भी पुराना कीर्तन उसमें निकालो, इसका कीर्तन क्या गला जब आ करके इधर क्या। और जब मैं जो मथुरा में आया, अभी मथुरा में वहां पर गुरुदेव घर घर में जाते थे कीर्तन करने के लिए, बैठते नहीं थे, घर घर में जाएंगे और गुरुदेव बोलेंगे आप घर में हम कीर्तन करने के लिए आएंगे। मतलब पैसा क्या लोगे, मतलब पैसा जरूरत नहीं, घर केवल एक बिछाने के लिए हमें कुछ दे देना और अपना अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लेना है, बुला लेना, फिर हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अगर कुछ हो तो देना, नहीं है तो तुलसी पता दे देना, गुरु जी बोलते तुलसी पता दे देना, हम प्रचार करेंगे। ऐसे गुरुदेव अब कीर्तन करने वाले कृष्णदास, कीर्तन करने वाले कृष्णदास। और मथुरा में इसकी इसका वजह से मथुरा में पूरा पूरा मथुरा में नाम हो गया गौड़िया मठ का कीर्तन, गौड़िया मठ का कीर्तन बहुत बढ़िया कीर्तन, इनका जैसे कीर्तन कोई नहीं, अब मथुरा के लोग भक्त लोग हैं। ऐसे धीरे धीरे कीर्तन करते करते ऐसे प्रचार मथुरा में हुआ, तीन दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम आता था, दो दो तीन तीन प्रोग्राम आएगा है, इसलिए कीर्तन कभी गुरुदेव मंगल महार जो कभी कुंज विहार प्रवक्त थे उनको मंगल महार जो और ऐसे एक पार्टी भेज देंगे, गुरुदेव को एक पार्टी में गुरुदेव जाएंगे, जा करके घर घर में कीर्तन करते थे। और कितना रात 11 बजे 12 बजे ऐसे, अगर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई नहीं हुआ तो पास वहीं से रिक्शा पीछा नहीं, रिक्शा इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, वहीं से कीर्तन करते 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 चलते चलते कीर्तन मृदंग बजा दे, छोटे 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 बच्चे ना जो तो कीर्तन करते करते आते थे मंदिर में है, मंदिर में आते थे और यही कृष्णदास था उसमें मैं कीर्तन दिया। जब नगर संकीर्तन होता था सोच नहीं सकते, हे भगवान क्या दाम इसको अंदर, क्या दाम। जब कीर्तन निकल नवद्वीप परिक्रमा में गए हो, कौन कौन नवद्वीप परिक्रमा गए, नवद्वीप परिक्रमा जाते थे कितना सवेरे करके, कितना 5 बजे निकल जाता है, 6:30-5 आएगा कभी कभी शाम को 5 बजे, हम दोपहर में जल्दी जल्दी पहले गुरुदेव रहते समय कोई गाड़ी में बैठ कर जा नहीं सकते, कोई गाड़ी में बैठ कर आ नहीं सकते, मैं देखता था हे भगवान 5 बजे कीर्तन पकड़ेगा माई ही पकड़ेगा, 5 बजे पकड़ेगा माई की, और शाम को 5 बजे 4 बजे 5 बजे जब कीर्तन वापस आएगा अकेला, जैसे हम लोग तो आधा एक घंटा गाने के बाद हम हालिया हो जाते, पर हमसे नहीं होगा, थक जाते, लेकिन वो थकेगा नहीं, थकेगा नहीं, गाते जाएगा है पूरा 5 से लेकर 5 बजे तक, शाम तक जब आएगा पूरा रास्ता में वही कीर्तन, और कीर्तन करने वाले कोई वो तो होता होगा तो कोई पीछे कोई कीर्तन करेगा है, पीछे कोई कीर्तन करेगा और कीर्तन करते 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 तब आ गया, वापस आएगा मंदिर में छोड़ेगा कीर्तन उसको, ऐसे कीर्तन। और जिस समय जब आरती गाएगा कभी खोलो जो आरती गाता है पावारी, क्या आरती उसका गला की तेज, क्या कितने लोगों का गला उसका इतना ऊंचा है ना, जो हारमोनियम में जो स्केल होता है ना वो फेल हो जाएगा, स्केल होता है ना करते करते स्केल स्केल वहां तक जाएगा नहीं, ऐसे उसको जब गला जब गाएगा उसको हाँ बस वो अकेला हो। जैसे गुरुदेव रहते समय भागवत कथा कभी कभी होता था है, कभी मैं मेरे साथ में तीर्थ महाराजा में सिद्धांत महाराज के साथ में यही कीर्तन करने के लिए यही जाते थे कीर्तन करने के लिए, और सब जगह में इसका नाम है कृष्णदास का, सब जगह में इसको बुलाते थे कृष्णदास को है, इसलिए सब जगह में इसको कीर्तन और हाँ और हरिनाम 16 माला जब तक नहीं करता था वो खाना नहीं खाता था, मतलब 16 माला कम से कम 16 माला करके हरिनाम करके भजन करना बचपन से आया, इसलिए वो जितना बार देखे क्यों नहीं सोए, ऐसे हम लोग होता है ना जान बुजुर्ग कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं, वो टाइम से उठ जाएगा, उठ करके नहा धो करके तिलक तिलक करके हानी खानी करके बस अपना हरिनाम 16 माला खत्म करेगा, 16 माला खत्म करके फिर जा करके कुछ भोजन करेगा, नहीं तो उसको पहले भोजन करेगा ही नहीं, इसको पहले भोजन, इसलिए उसने बहुत गुरु जी को साथ में बहुत
होगा क्या, गुरुदेव का कभी शरीर में तेल लगाना हो तेल लगाता था, गुरुदेव जब सोते थे उनका चरण दबा देता था इसने, क्योंकि बचपन में उन्होंने आकर के गुरु जी को साथ में रहा था, मथुरा में हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को साथ में रहा, इसलिए उन्होंने सब तरह का सेवा गुरु जी करता था, इसलिए आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, शरीर छोड़ दिया, इसलिए वो हम सभी को पर कृपा करे आशीर्वाद करे, अगर कोई जान अनजान में कहीं अगर उनके चरण में अपराध हो तो वो हमारी अपराध को क्षमा कर दे हैं, जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते सके। बोले श्री कृष्णदास प्रभु की जय। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं कैसे से सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप में दर्शन दिया, कहाँ पर, यहाँ पर जो सार्वभौम ये जगन्नाथपुरी का ही कथा है, अभी जो कथा सुन रहे हैं ये पुरी का कथा, उन्होंने षडभुज रूप में दर्शन दिया, जब दर्शन दिया षडभुज रूप में तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कितना श्लोक में स्तुति किया था बोलो, 100 श्लोक में उन्होंने स्तुति किया, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े धुरंधर विद्वान हैं, उनके जैसे विद्वान उस समय मिलना बड़ा कठिन था, बड़े धुरंधर विद्वान थे, इसलिए जो पहला श्लोक है हो सके तो तुम लोग याद कर लेना, ये पहला श्लोक होगा, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुद्रिजः तमहं प्रपद्ये। इसका मतलब है बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, महाप्रभु जो जगत में आए किस लिए आए, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, उन्हें वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी उन्होंने श्री सन्यासी ग्रहण करके उनका सन्यास का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि जह तमहम प्रपदे, ऐसे जो कृपा की समुद्र है हम उनके चरण में शरणागत होते हैं। उनने 100 श्लोकों को द्वारा उनने महाप्रभु का स्तुति किया, जब स्तुति किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो उनकी षडभुज रूप दर्शन करके बोले मैं वही तृतीय युग में राम था, द्वापर युग में कृष्ण और कलि युग में दंडकमल लेकर के सन्यास रूप में आए, फिर समझ गए ये कौन है, ये सख्यात जगन्नाथ, ये सख्यात श्री जगन्नाथ है, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अपने आप को कहते हैं पहले मैं कौवा था, कौवा क्या कहता है, हैं झूठा बूटा जो फेंक देते हैं, नहीं तो नीम फल खाता है, लेकिन मेरे को तुम कौवे से मेरे को कोयल बना दिया, कोयल क्या खाता है, आम में जो मधु होता है वो मधु को खाता है, हैं और कहते मैं कौवा था, कौवा से मेरे को तुमने गरुड़ बना दिया है, इसलिए श्रीमान महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं जब उन्होंने इस रूप का दर्शन दिया सार्वभौम भट्टाचार्य तो महाप्रभु का पूरा भक्त बन गए, इनके पूरा भक्त बन गए, फिर महाप्रभु बोले देखो मैं जब तक ये दुनिया में मैं रहूंगा एक काम करना, तुम कभी भी प्रकाश मेरे को नहीं करना, मैं भगवान हूँ, मैंने ये दर्शन दिया इसलिए ये चीज को कभी तुमने प्रकाश नहीं करना है, नहीं तो प्रकाश करोगे तो महाप्रभु जहाँ जहाँ जिनको जहाँ जहाँ उन्होंने दर्शन दिया, किसको किसको दर्शन दिया, बचपन में दैथिक विग्रह को उन्होंने दर्शन दिया है, अष्ट अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया, फिर और किसको बोला था बोलो, केशव कश्मीर को उन्होंने, केशव कश्मीर को उन्होंने दर्शन दिया, उनको बताया मैं भगवान, सरस्वती स्वयं बताए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिखाया, लेकिन सबको महाप्रभु ने मना कर दिया जब तक मैं इस जगत में रहूंगा तब तक मेरे को प्रकाश नहीं करना, अगर प्रकाश करोगे ना चक्र लेकर सब काटूंगा, इसलिए कहा देखो भगवान स्वयं वो कभी नहीं बोलते मैं भगवान हूँ और मेरे नाम को प्रचार करना, लेकिन जो भगवान नहीं है ना बस अपने आप भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, हम सारथी भगवान, हम राम रहीम भगवान है, सब भगवान, अभी सारे भगवान अभी जेल में बंद पड़े हुए, सब भगवान जेल में भगवान पड़े हुए, इसलिए तब उन्होंने और एक बात बताई, क्या बताए, बोले जो ये नित्यानंद है इसको क्या समझना, ये मेरे द्वितीय शरीर है, नित्यानंद और मेरे में कोई भेद नहीं, इसलिए अगर तुम जीवन में भक्ति बनना चाहते हो
कहती है नित्यानंद प्रभु को जरूर तुम इनको आराधना करा, आराधना करना। इसलिए अगर इनकी कृपा नहीं होगा तो नित्य करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इनकी कृपा से ही भक्ति मिलेगी। इसलिए अभी उन्होंने जो महाप्रभु को पहचान लगा, नित्यानंद प्रभु को पहचान लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ी प्रसन्न हो, बड़ी खुश हो, मैं कितने सौभाग्यवान, हाँ भगवान स्वयं कलयुग में भगवान आए, मेरे को कृपा हुई ठाकुर जी की, ठाकुर जी मेरे को दर्शन दिया है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अगर ये कथाओं को कोई श्रवण करेगा तो उसको क्या मिलेगा, बोले उसको भगवान के चरण में प्रेम और भक्ति, भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। अभी उसको बाद में कथा आती है श्री परमानंदपुरी, कहती है परमानंदपुरी पूर्व लीला में कौन थे पता है, परमानंदपुरी कौन थे, कहती ये साक्षात उद्धव जी, ये उद्धव जी कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय ये सखा हैं। इसलिए कहते हैं क्या बोलो श्लोक है, भगवान क्या कहते हैं इनके लिए, हाँ उड़िया में क्या कहते हैं, उद्धव गला जो उदंडे सेरेनो पड़ो मर मुंडे, हमारे उड़िया भागवत क्वेश्चन, उद्धव जो दांडे गले जिस रास्ता देकर गए हम वहाँ का धूल हमारी सर पर पड़े, क्यों भगवान उद्धव के लिए कहते हैं उद्धव तो मेरे जितने प्रिय हो उतना प्रिय मेरे बेटा ब्रह्मा भी नहीं, उतना प्रिय शंकर भी नहीं, इतना प्रिय अंकसायनी लक्ष्मी भी नहीं, उतना प्रिय बलदेव प्रभु भी नहीं, उतना प्रिय मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं तू जितना मेरे प्रिय हो। इसलिए कृष्ण से दैत सखा, कृष्ण का सखा कृष्ण का मंत्री, अगर कृष्ण कुछ करना तो परामर्श किससे लेते थे, उद्धव जी से, हैं उद्धव जी से। इसलिए उद्धव बुद्धि सत्ता, इसलिए उद्धव कौन थे बुद्धि में, हैं बुद्धि में एकदम तीव्र बुद्धि वाले थे, इसलिए उनको गुरु बृहस्पति साक्षात, इसका बृहस्पति स्वयं जिनकी गुरुदेव, इतने बुद्धिमान थे श्री उद्धव जी। कहते ये महापुरुष लीला में कौन है, कहते ये परमानंदपुरी है, कहते परमानंदपुरी कौन है, कहते कि इनका गुरुदेव का नाम क्या, कहते श्री माधवेंद्रपुरी, इनका गुरुदेव का नाम श्री माधवेंद्रपुरी। कितने में, कहते श्री परमानंद महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे उसी समय में इनको साथ में कहीं भेंट हुआ था, बोले तुम चले आना कहाँ पर, चले आना तुम जगन्नाथपुरी में, हम दोनों बैठ करके किस आपस में कृष्ण चर्चा करेंगे। जब श्री परमानंदपुरी पर्यटन करते करते पुरी में आए तब श्री महाप्रभु इनके लिए क्या कहते हैं, बोले आज धन्य लोचन सफल धन्य जन्म सफल अमरा जी हैल सब धर्म। यहाँ पर महाप्रभु स्वयं भक्त दर्शन का क्या महिमा बता रहे, एक श्लोक है ना भक्त न फल तादृश दर्शन ही, कहते आंखों का फल क्या है, जब तादृश दर्शन भक्तों का दर्शन से ही ये आंखों का फल, शरीर का फल तन फल तादृश गात्र संग। इसलिए वैष्णव को जब हम आलिंगन करते कहते हैं शरीर का तभी सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर कहते आज मेरे आंखें धन्य हो गया, मेरे आज जन्म धन्य हो गया, आज मेरा सर्व धर्म भी आज मेरा धन्य हो गया, क्यों आज एक वैष्णव जो भगवान के अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त श्री परमानंदपुरी का आज मेरा दर्शन हुआ। इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं वैष्णव जीवन वैष्णव दर्शन से ही जीवन का धन्य है। इसलिए भगवत दर्शन में जो फल है वैष्णव धर्म से दर्शन से उससे ज्यादा फल है, क्यों ठाकुर तो हमसे कुछ बोलेगा नहीं, ठाकुर बोलते हैं जगन्नाथ जी बलदेव प्रभु हमसे बात करते हैं, क्या कर रहे हो सवेरे क्यों नहीं उठते हो, हरिनाम कितना किया है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं हमसे, ठाकुर जी हमें नहीं बोलते हैं, फिर बोलते हैं कौन बोलते हैं, कौन बोलते हैं भक्त लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं। इसलिए कहते भगवत दर्शन से ज्यादा महत्व है वैष्णव दर्शन, कोई श्लोक बोलो, कोई श्लोक बोलो, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवत दर्शन से भी ये वैष्णव का दर्शन महत्व ज्यादा है, बोलो
का लेना दर्शन देव साधन। इसलिए इसमें तो तीर्थ सालग्राम सालग्राम पूजा की भी बात बताए। इसलिए कहते हैं दर्शन देव साधव, कहते वैष्णव दर्शन से हैं, कहते जो सालग्राम तीर्थ जीव का कल्याण करते हैं, लेकिन ते पुनर्ति उरुका लेना करते थे लेकिन बहुत देर में, लेकिन वैष्णव दर्शन पवित्र कर गई तुम्हारे। और कोई श्लोक है बोलो। भगवत युद्धा भगवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु तीर्थ प्रवत तीर्थानी शांतस्तेन गदा कृतम। यदि ये श्लोक लेकिन और एक श्लोक बोलो। हाँ, इसलिए जब श्री नारद जी जब वसुदेव महाराज को पास में आए, जब श्री वसुदेव महाराज बोलते हैं क्या श्लोक है बोलो। बड़ा भी याद नहीं आ रहा। इसलिए वहां पर श्री वसुदेव महाराज बोलते हैं, वसुदेव महाराज बोलते हैं, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है क्योंकि आज मेरा वैष्णव दर्शन आज मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कर कह रहे हैं आज मेरे सब कुछ आज मेरे सार्थक हो गया है। कहते इनको देख करके मेरे श्री माधवेंद्र पुत्र का स्मरण आते हैं, क्योंकि ये माधवेंद्र पुत्र का ये शिष्य है। तब महाप्रभु उनको आलिंगन करके अपना आंखों का आंसुओं से उनका उन्होंने सिंचन किया। कहते ये परमानंद पुरी कौन है, महाप्रभु कहते हैं ये प्रेम का धाम है ये, और इनका जो शरीर है संपूर्ण प्रेम रसमय इनका शरीर है। इतने में महाप्रभु जब आए तो धीरे 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 सारे जितने भक्त थे, सारे भक्त जितने हमारे गुड़िया भक्त थे, सब भक्त धीरे 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 आए। बोले कौन कौन आए, बोले श्री प्रद्युम्न मिश्रा आए, श्री रामानंद राय आए, श्री दामोदर पंडित आए, श्री शंकर पंडित आए, श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी भगवान आचार्य सब महाप्रभु से पास में आए। हे महाप्रभु सबको मिल करके बड़े प्रसन्न महाप्रभु हुए। तब श्री नित्यानंद प्रभु हैं महाप्रभु साथ, नित्यानंद प्रभु आए थे। नित्यानंद प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए गए मंदिर में, जब दर्शन करने के लिए गए और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से छलांग लगाया था ना जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने बलदेव प्रभु को पकड़ने के लिए आलिंगन करने के लिए छलांग लगाए हैं, सिंहासन को लगाए। इतने में क्या किया नित्यानंद प्रभु, बलराम प्रभु के गले में जो फूलों की माला था ना उन्होंने उतारे और खुद पहन ली। नित्यानंद प्रभु क्यों, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, उन्होंने छलांग लगाए सिंहासन को परे में और उठाए गला और पहन लिया। और जितना पड़ोसी वहां पर जितने पंडे ले, ये बाबा कहाँ से आया, पहले एक आया था ये जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए कोशिश किया, ये कहाँ से आ गया, ये बलराम को हाँ ऊपर में चढ़ गया और उनका माला खुद लेकर पहन लिया। लेकिन पंडित लोग जब आए ना बलदेव प्रभु ऐसे किया, ऐसे किया तो बलदेव प्रभु कौन है, बल का अधिष्ठान देवता है, उनको शरीर में जब हाथ लगा ना छिटक करके जाकर कहीं गिरे सारे पंडे है, सारे पंडे धड़ांग करके जाकर कहीं गिरे। जो गिरे बोले बाबा रे ये कितना ताकत है, है? और उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया तो सारे पंडे कहीं जाकर कहीं एकदम छिनछत्र होकर कहीं गिरे सबके सब। बलराम में कितने शक्ति, कहते कृष्ण में कितने रहस्य ना कृष्ण भी पता नहीं, और बलदेव प्रभु में भी कितना शक्ति बलदेव प्रभु भी पता नहीं। इसलिए कहते कहते एक दिन श्रीमान महाप्रभु यहाँ पर एक कुआ है पुरी गोस्वामी का, यहाँ पर कुआ गए और पुरी गोस्वामी कुआ। एक दिन महाप्रभु और श्री परमानंद पुरी वहीं पर रहते थे, परमानंद कुप है जहाँ पुलिस फांडी वहीं पर रहते थे। एक दिन महाप्रभु वहां पर गए जा करके, जैसे महाकृष्ण जैसे उद्धव जी को साथ में, जैसे कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति रस से विभीषण करते थे महाप्रभु, वहां पर भी श्री परमानंद पुरी को साथ में उन्होंने भी वहां पर उन्होंने कृष्ण कथा में एकदम डूब गए। जब डूब गए डूब करके तब उन्होंने कथा होते होते हठात उन्होंने बोले, उन्होंने बोले ये
कुआ का पानी कैसे है? तब परमानंद पुर ने कहा, प्रभु ये कुआ का पानी ना बड़े कीचड़ है, खूब गंदा रहता है, है? ये पानी को कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इतने में महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, हे जगन्नाथ जी, इसलिए तीन गंगा है, कितना गंगा, तीन गंगा, क्या क्या, शुद्ध गंगा और गंगा, हाँ, इसलिए बोलो कितने तीन गंगा क्या है? कहते स्वर्ग में एक गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी, इसे मर्त्य जगत में एक गंगा जिसका नाम भागीरथी, भागीरथी, एक गंगा पाताल में जिसका नाम भगवती, इसलिए गंगा तीन गंगा है। हाँ, जैसे तीन गंगा जैसे तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कृष्ण कथा पवित्र करती हैं। किसको किसको? पूछने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले, ये तीनों को, ये कृष्ण कथा तीनों को पवित्र करती हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने जो भगवती गंगा, उनको उन्होंने प्रार्थना किया, बोले हे भगवती गंगा, आप कृपा करके ये कुएं में आप प्रवेश करो। उन्होंने प्रार्थना किया, जब प्रार्थना किया, जितने वहां पर भक्त लोग थे ना, सब के सब भक्त लोग बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, सब के सब भक्त लोगों ने जय जयकार किया है। और सचमुच से दूसरे दिन जब आए ना, देखा वो कुआ पानी एकदम साफ, एकदम साफ, पहले एकदम कीचड़ कीचड़ होता था, है, कोई व्यवहार नहीं कर पाते थे, आए तो पूरा साफ हो, पानी निर्मल है। महाप्रभु ने आशीर्वाद से इतने में सारे भक्त लोग आकर के कुएं को परिक्रमा किया, क्योंकि पानी अभी गंगा, स्वयं गंगा देवी प्रवेश की। यहाँ पर कहते हैं बोले एक पेर जल जे करीवे स्नान पार, सत्य सत्य हवे तार गंगा स्नान फल। महाप्रभु कह रहे हैं कुप का पानी को जो स्नान करेगा, जो पान करेगा, हम सच सच बता रहे हैं, उसको गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा। और क्या होगा? बोले कृष्ण भक्ति हवे तार परम निर्मल, और उसको हृदय में कृष्ण भक्ति, हृदय उसका परम निर्मल हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, आज मैं जो ये पृथ्वी में हूँ, किसके लिए इसी पृथ्वी में रह रहा हूँ? कहते कि परमानंद, केवल इसी के लिए अभी मैं पृथ्वी में। महाप्रभु अपना भक्तों को इतने प्रशंसा करते हैं। जब महाप्रभु जिस भक्तों को प्रसन्न करते हैं ना, जैसे हरिदास ठाकुर को क्या बोले थे, हरिदास शिरोमणि तुमा बिना रत्न शून्य हैला मैदिनी। इसलिए पृथ्वी का सर मोर श्री हरिदास ठाकुर थे, और आज हरिदास ठाकुर चले गए, मतलब ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गया, पृथ्वी रत्न शून्य हो गया। लेकिन महाप्रभु तो अपना भक्तों को प्रशंसा करते हैं, ऐसे नहीं भक्त लोग भूल गए, अरे हम पृथ्वी का एकदम सर्वश्रेष्ठ थे, नहीं। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, बोले प्रभु पृथ्वी से अगर एक पिपलिका मतलब एक चींटी, पृथ्वी से अगर मर जाए तो पृथ्वी का कोई कुछ हानि होता है? कहते ऐसे ही शिव जगत में आपका अनंत भक्त है, आपको लीला में मदद करने वाले, अगर एक चींटी अगर मर गया तो आपका क्या हानि हो जाएगा? भक्त लोगों का ये भावना है, है? इसलिए यहाँ पर वहां पर गंगा प्रकट हुई। इसलिए कहते जगन्नाथ जी का मंदिर में ना पानी का कुआ का पानी किसने किसने आचमन किया है? इसलिए जैसे गंगा पानी जब मीठा है ना, वो पानी जब आचमन करके देखोगे, वो पानी एकदम मीठा पानी, एकदम गंगा पानी जैसे, क्योंकि महाप्रभु का आशीर्वाद से जो पाताल गंगा स्वयं उसमें प्रवेश हुआ है। इसलिए जगन्नाथ जी मंदिर के लिए भी वहां से पानी ले जाते हैं जगन्नाथ जी के लिए। इसलिए कभी यहाँ पर महाप्रभु श्री जाते थे, महाप्रभु श्री तोटा गोपीनाथ में, तोटा गोपीनाथ तब श्री गदाधर पंडित रहते थे, और वहां पर महाप्रभु भागवत श्रवण करने के लिए जाते थे, और महाप्रभु प्रश्न करते थे, श्री गदाधर पंडित महाप्रभु को प्रश्न करते थे, आज कौन सा प्रसंग सुनना चाहते, भागवत का कौन सा प्रसंग? तो महाप्रभु कहते थे मुझे भक्तों का चरित्र सुनाओ, क्योंकि भक्त चरित्र सुनने से कौन सा भक्त कैसे कैसे भजन करते थे, जो उनकी भजन का परिपाटी को सुनेंगे, हमारे हृदय में भी भावना होता है,
हम भी ऐसे भजन करें, हम भी ऐसे भगवान की भक्ति करें। इसलिए महाप्रभु रोज जाग करके उनको क्या करते थे, भागवत कथा सुनते थे। हाँ, कहते एक दिन महाप्रभु जो वहां पर थे, एक भक्त आए, एक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु का चरण में प्रणाम किया। महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हुए तब हैं कहते महाप्रभु आकर कह रहे, बोले प्रभु मेरे को पहले भक्ति का महिमा पता नहीं था। इसको भी होता है ना, जब तक भक्ति जगत में कोई नहीं आते हैं उनका भक्ति का महिमा पता नहीं होता है। लेकिन प्रभु मैंने बहुत मैंने वैष्णव अपराध किया, वैष्णव का मैंने निंदा की, इसलिए और क्योंकि मैं बोलता था कलयुग में साधु संत कहाँ से आ गए हैं, कलयुग में साधु का तो कुछ नहीं, कलयुग में कोई साधु नहीं है, ऐसे कर बोलता था। इसलिए हे प्रभु मैंने बहुत निंदा चर्चा की है, जिस निंदा से मेरे हृदय एकदम जल रहा है। महाप्रभु कहते हैं ना, वैष्णव निंदा करने से क्या होता है, हृदय सूख जाती है, हैं? हृदय से एकदम जैसे मतवाला हाथी जड़ समेत इसे उखाड़ देती है और पौधा को, उसी तरह वैष्णव निंदा से हृदय एकदम सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। कहते मेरे हृदय तो एकदम शुष्क हो गया, मेरे हृदय वैष्णव निंदा से चित्त एकदम दहन कर रहा है। प्रभु आप बताओ कैसे मेरा चित्त को शांति मिलेगी, वैष्णव अपराध से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताओ। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, बोले सुन दीज विष करी जे मुखे भक्षण, सही मुखे करे यदि अमृत भक्षण, विष है जीर्ण देह है त अमर, ना जानिया तुम्हें जतो करिला निंदक, से सकल विष तुम्हें करिला भोजन, परम अमृत हवे कृष्ण गुण नाम, निरवधि सही मुखे कर तुम्हें पान। तो महाप्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण देते बताए, कहते अगर जिस मुंह में तुमने ये जहर को पान किया है, अगर फिर उसी मुंह में अगर तुम अमृत भक्षण करोगे, फिर क्या होगा, वो सारे विष तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। कहते विष जीर्ण है देह है तो अमर, फिर क्या होता है, विष विष हजम हो जाता है और वो जो शरीर अमर बन जाता है। इसलिए तुमने जितने साधु वैष्णव का निंदा किया है, कहते तुमने निंदा नहीं किया, केवल तुमने विष भक्षण किया, केवल तुमने वो विष भक्षण किया। परम अमृत वे कृष्ण गुण नाम, कहते भगवान का नाम कैसे, वैष्णव का गुणगान कैसे, कहते ये परम अमृत है। अगर हर समय तुम भगवान की महिमा को गाओगे, वैष्णव की महिमा को गाओगे ना, बस क्या होगा, कहते तुम्हारे सारे विष खत्म हो जाएगा और तुम अमरत्व को प्राप्त करोगे। इसलिए क्या करो, तुम हर समय वैष्णव की भगवान की गुणगान करो। इसलिए पहले जो गोपाल है, जो पहले जो देवानंद पंडित था, है देवानंद पंडित ने श्रीवास का चरण में अपराध किया था, श्रीवास चरण में अपराध किया था, तो इसलिए देवानंद पंडित था जो वृंदावन वासी जो था, वैष्णव देवानंद बोला किसका है, देवकी नंदन दास यही लोग है गाय। इसलिए उन्होंने वैष्णव निंदा उन्होंने पहले किया था, जब वैष्णव निंदा किया था, जब उन्होंने महाप्रभु का चरण में गए, बोले प्रभु हमने बहुत वैष्णव का निंदा किया, इसलिए आप कृपा करो, कैसे ये वैष्णव निंदा कही जाएगा, जो गोपाल चापल हुआ। इसलिए जिसने श्रीवास को घर को सामने जवा पुष्प मदिरा मांस ये सब के सब रख लेता था, अब सवेरे उठते ही देखा था, देखो तुम लोग सोचते हो ये श्रीवास पंडित बहुत बड़ा भक्त है, अब भक्त भक्त कुछ नहीं, देखो रात भर स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, उनके साथ में भोग करते हैं, देखो यहाँ पर देखो कुछ मांस मछली और यही सब चीज ला करके पूजा करते हैं। फिर जब उसका शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गया, फिर जो तड़फड़ा है, जब महाप्रभु के पास में गई, महाप्रभु क्या बोले, अगर कांटा अगर प्यार से चुभ जाएगा तो सर से नहीं निकलेगा, उधर ही निकलेगा, अभी तुम क्या करो, वैष्णव का तुमने निंदा किया, उस मुंह में वैष्णव का गुणगान करो। इसलिए उन्होंने कौन सा भजन लिखे, कहते जो वृंदावन वासी जत वैष्णव रे गण, फिर उन्होंने सारे वैष्णव का नाम को ले लेकर के वृंदावन वासी नीलाचल वासी और श्री जगन्नाथ पुरी
और श्री नवद्वीप निवासी सब वैष्णव का नाम ले लेकर उनने वंदना किया। इसलिए महाप्रभु कहते क्या करो, हर समय वैष्णव का हर समय गुणगान किया करो, करने से फिर वैष्णव का अपराध नष्ट हो जाएगा। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।